तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम आपको बताऊंगा, तो आपको उनसे क्या सवाल पूछने हैं वो आप मुझे बताओ, हम सबको, ठीक है? फर्स्ट वन इज डिवाइन. डिवाइन से क्या सवाल पूछूंगा, डिवाइन से क्या सवाल पूछूंगा, कोलैब करेगा ब्रो, ठीक है? तापसी पन्नू कोलैब करेगी ब्रो. आई डोंट नो मैन, उससे पूछूंगा कि लंबे बाल वाले लड़के क्यों नहीं पसंद तुम्हें, ठीक है? एमयूए कोलैब करेगा ब्रो. भाई को चाहिए कोलैबोरेशन. नहीं नहीं मतलब मेरे पास कुछ है नहीं खास पूछने के लिए. एवरीवनस नाइस मैन, लाइक व्हाट कैन आई आस्क. अक्षय कुमार के साथ तो यार लाइक आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू वर्क विद हिम. और मतलब ये नहीं कि मेरे को गाना करना है उनके साथ या कुछ, जब मैं गाना नहीं भी करता, जस्ट वांटेड टू सी हिम इन एक्शन कि भाई कैमरे पे वो कैसे करते हैं. बिग फैन, लाइक आई हैव बीन अ बिग फैन. मेरा एक गाना भी है जो निकाला नहीं, गाने का नाम अक्षय कुमार है. अच्छा, सहवाग, अक्षय कुमार, टिटुलर रोल वाले गाने लाइक काफ़ी सारे आने वाले. सवाल नहीं पूछ रहे बस उनसे. मैं तो ऑस्ट्रा को जाऊँगा ब्रो, लाइक आई लव हिम. डैनी डैनियल्स कौन? डैनी डैनियल्स कौन? बस ठीक, मतलब कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन है. शी इज अ पॉर्न स्टार, वेरी फेमस. मुझे एक्चुअली पता है, मैं मजाक कर रहा था. मैं सोच रहा भाई इतना शरीफ कब से हो गया, वही मैं सोच रहा. सॉरी, शरीफ तो अलग चीज है. आई जस्ट नो अबाउट थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स. जरूरी नहीं है कि मैं इंटरेस्टेड हूं उन चीजों में, पर मुझे सब कुछ पता है. कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा. हां, कुछ नहीं पूछूंगा. बाली होता वो पूछ लेता. यो यो हनी सिंह आई वुड वांट टू नो द रेसिपी ऑफ हिज प्रोडक्शन स्किल्स मैन, कि लाइक इतना सही आज तक कैसे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं शुरू से लेके आखिरी तक. लाइक दैट हैज बीन हिज की थिंग, यू नो. उनकी जो बीट्स हैं, लाइक उनके लिरिक्स का अलग टेस्ट है, और जो फ्लो वगैरह उनका अलग टेस्ट है, मेलोडीज अलग, सबका अलग चीज़ है, लेकिन बीट्स जो आज तक उनके स्नेयर्स बैंग करते हैं, आई वुड वांट टू नो वो सैम्पल पैक कौन सा है, कहाँ से लाते हो स्नेयर्स. सही, ये अंदर का बीट प्रोड्यूसर निकला. ये उसने सवाल पूछा. अच्छा भाई, अगला जो मेरा सवाल है, मैं कुछ आर्टिस्ट के यू नो नाम लूंगा जिनके साथ आपने कोलैब करा हुआ है. एक चीज जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती है या उनसे आपने सीखी, ठीक है? तो स्टार्ट विद बादशाह भैया. यार उनके बारे में अच्छा लगता है, पता नहीं सीखूंगा कब. लाइक ही कैन राइट एनीथिंग, वो कुछ भी लिख सकते हैं. मतलब शुरू से लेके बहुत टाइम तक हमने उनका कमर्शियल वाला सीन देखा है, कि उन्होंने लोगों को पार्टी कराई तो कैसे कराई, और कितने सारे गाने उन्होंने बनाए हैं, काफ़ी लोगों के लिए लिखा भी है उन्होंने. और अभी जब वो हिप हॉप के अंदर आ रहे हैं, तो जिसके साथ भी काम कर रहे हैं भाई, उन्हीं के गाने में उन्हीं को खा जा रहे हैं. लाइक मेरे साथ मेरा फोर्टे यही था कि मैं जो यहाँ वाली स्लैंग्स यूज़ करता हूँ, सेकेंड वर्स मैंने उनको दिया और खा गए मेरा पूरा वर्स. मतलब पूरा का पूरा, लाइक एवरीबडी नोज उन्होंने क्या लिखा था उसके अंदर. सो ही कैन राइट एनीथिंग, वो कुछ भी लिख सकते हैं. ही इज़ द ओनली राइटर जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को लगता है कि वो प्रॉपर कोर चीज़ के अंदर भी और कमर्शियल स्पेस के अंदर भी वन ऑफ द बेस्ट है दोनों के अंदर. लाइक उनका प्रॉपर बैलेंस वाला सीन है. ग्रेट. इक्का भैया हार्ड वर्क ब्रो, और हार्ड वर्क लाइक वो ही हैज़ दैट. मतलब वो बहुत मेहनती है भाई. Yes. बहुत मेहनत की. इनफैक्ट जब हमारा गाना एक सही 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 लॉकडाउन के टाइम पे बनाया था, और वो आई थिंक मुंबई में थे, एंड ही वाज नॉट एट हिज ओन प्लेस, अपने घर पे नहीं थे, तो उनके पास सेटअप वगैरह कुछ नहीं था. उन्होंने मेरे को फ़ोन से रिकॉर्ड करके भेजा था ताकि मेरा गाना डिले ना हो जाए. इट्स नॉट इवन लाइक कि लाइक मैंने उनको बोला कि ब्रो जल्दी कर दो, उनको खुद को लगा कि भाई इतने टाइम से दिया हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन से रिकॉर्ड करके भेजा. लाइक और काफ़ी लोगों को पता है, जब अपने घर के अंदर रिकॉर्ड करते हो और गर्मी वाला टाइम है, तो आपको पंखा एसी सब बंद करके एक कोने में जाके उस टाइम का वेट करना पड़ता है कि बाहर से कोई गाड़ी वाड़ी ना निकल रही हो. और ही डिड दैट विद हिज फोन, एंड द सॉन्ग डिड प्रीटी वेल. तो ही ट्रेंडिंग पे आ गया था. वो इट्स रियली नाइस ऑफ हिम. लाइक काफ़ी मेहनत करता है भाई. ओके भाई, कृष्णा यार, कृष्णा शुरू से उसकी कंसिस्टेंसी बहुत सही है. मतलब वो आज भी वही कर रहा है जो शुरू से करता आया था, और उसने लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया. यू नो, वो पहले भी लिरिकल कर रहा था, चाहे लोग सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ओके अभी लोग नहीं सुन रहे तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कुछ रिलेटेबल ट्रैक करते हैं, कुछ कमर्शियल ट्रैक करते हैं. उसने नहीं किया, वो उस चीज़ पर लगा रहा, अपनी स्किल को और बेटर करता गया, और आज उसने लोगों को कन्वर्ट कर दिया. यू नो, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हिप हॉप सिर्फ कृष्णा की वजह से सुनते हैं. So he has that man, like उसने अपने आप को चेंज नहीं करा, उसने लोगों को चेंज कर दिया, एंड नाउ ही इज़ मैसिव. और वो उसी चीज़ को लेके मैसिव बन गया, उसने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में अपनी चीज़ चेंज नहीं करी. सो वो बहुत कमेंडेबल चीज़ है ब्रो. ग्रेट बाय.